5,000 रुपए इस बैग के काटे और बिना दूं। हमने 20 यूरो में जैकेट खरीद ली है ओनली ब्रांड की। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR13 इन जर्मनी। वेलकम बैक। तो आज हम जा रहे हैं फैशन आउटलेट सिटी ज्वाइब्रुकन और वहां पे हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स देखने को मिलेगी। हम जैकेट, ग्लव्स और शूज खरीदने जा रहे हैं। तो हमने सुना है कि वहां पे बहुत सस्ते दामों में चीजें मिलती हैं, तो देखते हैं कि वहां पे सेल लगी हुई है या नहीं। लेट्स सी। अभी हमने ट्रेन ली है काइजरस्लॉटर्न से होमबुर्ग के लिए। अभी हम 12:05 में पहुंचने वाले हैं। सो सी यू देयर, बाय। अच्छा भी आया, चला भी गया। पेड़ आ गए बीच में। हाँ, नाइस। ओ वाओ, किसी विलेज वगैरह की फील आ रही है भाई। ओ वाओ, नाइस। दीज आर ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स ऑफ जर्मनी। लुक एट दिस। वाओ यार, मैं तो यहीं रह जाऊंगी। ज्वाइब्रुकन जाने की जरूरत नहीं। वो ओ भाई, यूरोप में ना ओपन लैंडस्केप्स बहुत सारे होते हैं। जैसे इंडिया में पहाड़ ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन यहाँ पहाड़ दूर दूर दिखेंगे। ये देखो, व्यू खराब हो गया। आ गया, आ गया। यहाँ पे इस नोटिस बोर्ड पे ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि आपको अगली ट्रेन या अगली बस जो है कहाँ से कहाँ तक के लिए कब मिलेगी। दिस इज रियली कूल। हम पहुँचने वाले हैं, इससे अगला स्टेशन ही है अपना होमबुर्ग। हमें अगली वाली बस पकड़नी है और सिर्फ 2 मिनट का बफर है, भागना पड़ेगा। हमें R7 लेनी है 3 मिनट में। लो जी, पहुँच गए हैं ए बे पे और 1 मिनट में हमारी बस आ रही है ज्वाइब्रुकन की। आ गई भाई अपनी बस। शुक्र है ये वाली बस मिल गई, वरना अगली बस जो है वो 29 मिनट्स बाद है। देखो, ओपन सनरूफ, भाई गजब नहीं है। कहाँ पे? अच्छा, शायद फिर मैंने कभी इतना साफ सुथरा देखा नहीं। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। और ये हम बस में बैठ गए हैं। सो हम आ पहुंचे हैं ज्वाइब्रुकन। काफी खूबसूरत सिटी लग रही है यार ये। यहाँ आके लग रहा है कि एक्चुअल में हम यूरोप में कहीं आए हैं। काइजरस्लॉटर्न में मज़ा नहीं आता। सी 233। अच्छा ठीक है। यहाँ पे ना बस स्टैंड्स पे बसेस की इंफॉर्मेशन रहती है, तो अभी हमें पता नहीं कि हमें किस तरफ जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे। सो लेट्स सी दैट। ये देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है ऐसे, जैसे कि ये वाली बस है 1:20 पे आएगी, फिर उसके बाद सिर्फ 6:35 पे आएगी। सो ऐसे इंफॉर्मेशन लगी रहती है। यहाँ पे बसेस के सारे नंबर है जो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। ये यहाँ का खूबसूरत सा डॉयचे बान स्टेशन है। काफ़ी अच्छा है यार ये तो। आज मौसम ने काफ़ी कृपा कर रखी है। हमारी बस जो है 1/2 घंटे बाद है, इसलिए हम स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। काले भूत क्यों आ रहे हैं हम? गोरे हो गए। तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई, खाना पीना खा लिया थोड़ा बहुत। आज मैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ, एकदम पिकनिक बना दिया मैंने। मैं बर्गर लेके आई हूँ 2, और ग्रेप्स लेके आई हूँ, और कोल्ड कॉफ़ी भी बना के लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मैंने सोचा बर्गर ऐसे तो खाया नहीं जाएगा, तो कोल्ड कॉफ़ी ले चलते हैं। पानी भी लाई हूँ, अम्ब्रेला भी लाई हूँ, मेरे को बारिश वारिश हो जाए। पूरा पिकनिक का सामान लेके आई हूँ मैं, और जबकि मैं जा कहाँ रही हूँ, फैशन आउटलेट जा रही हूँ मैं। तो अभी हमने थोड़े से ग्रेप्स खाए हैं, भूख लग रही थी। आज राम जी ने बहुत बढ़िया टेक रख रखी है, इतना सुथरा मौसम हो रखा है ना, आज शॉपिंग करने का सही मज़ा आओगा। और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, बड़ी ठंडी ठंडी सी। गाम है थोड़ा सा, पर घना ना लग रहा। ये यहाँ का बोर्ड है जिस पर बहुत सारे इवेंट्स की फोटोग्राफ्स लगा रखी हैं। ये मुझे लग रहा है शिमला वाला सीन। माल रोड गए हो कभी? वहाँ पर ऐसी ही बिल्डिंग है। हमने अगली बस ले ली है और ये वाली हमें 10 मिनट में पहुँचा देगी। गुटे फाट, कितनी खूबसूरत लेन है ये। वाओ, व्हाट अ व्यू। तो हम आ पहुंचे हैं फैशन आउटलेट। आपने पीछे देख ही लिया,
और सबसे पहले हम जाएंगे एडिडास, एडिडास जो भी है। ओह वाह यार भाई, यहाँ के ना एकदम यूरोप वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे ही फैशन आउटलेट्स वगैरह होते हैं, लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। अमेजिंग, दिस इज कूल। कन्वर्स, ये कौन सी ब्रांड है? मैंने तो कभी नहीं सुनी। ये एक ब्रांड है नापा पिजरी। ये देखो एडिडास। अब हम अंदर जा रहे हैं भाई। 17 यूरो की सिर्फ चप्पल है। बहुत महंगा लग रहा है, औकात से बाहर। अच्छी लग रही है ना? मुझे भी काफी अच्छी वाइब आ रही है यार इससे। दूसरी पॉकेट कहाँ है? ओ बंद है। 60 यूरो की है, 5400 की। वो 60 यूरो वाली जैकेट हमें पसंद तो आई है, देखते हैं कहीं और सस्ता मिलेगा तो। वाह बहुत ही बढ़िया मौसम, बहुत ही बढ़िया। राल्फ लॉरेन, भाई ये तो फ्रेंड्स में देखा था हमने। यहाँ बच्चों के कपड़े देखो, कितना फैशन कराते हैं बच्चों से भी। 24 यूरो की, और ये कितने की? 299। औकात से एकदम ऊपर है ना, यहाँ दाल नहीं गलेगी अपनी। अपन थोड़े से सस्ते वाले में जाते हैं, जो थोड़े से कॉमन हो, जैसे प्यूमा हो गया, एडिडास हो गया। प्राइसी है काफी। लेट्स गो, अभी हम जाएंगे रेंगलर के अंदर। रेंगलर है, ली है। ली में भी देख सकती हो तुम। ओ रीओपनिंग सून, अभी बन रहा है माइकल कोर्स। लेना पेपे जीन्स है, आगे पेपे जीन्स है। पे नॉर्थ फेस भी है जो काफी बढ़िया ब्रांड है। ये नॉर्थ फेस जो है वो कनाडा में काफी फेमस है मेरे ख्याल से। पप्पा जीन्स पे यहाँ भी मामला नहीं जमा, नॉर्थ फेस में चलते हैं अब। बेटा सन काफी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, जैसे स्टोर में घुस रहे हैं हेलो बोल रहे हैं, जा रहे हैं बाय बोल रहे हैं। ये है नॉर्थ फेस वाला स्टोर, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये वाली जैकेट 87 यूरो की। क्या लगा हुआ है इसमें? पॉलीथीन है सही में। मुझे एक बैग खरीदना था, बैग देखती हूँ इधर, अगर सस्ता मिला तो यहीं से ले लूँगी। ब्रो वो बैग देखियो कितने का है? ये वाला बैग 53 यूरो। ना ना 5000 रुपये इस बैग के, काटे और भी ना दूँ। हम जा रहे हैं ली रेंगलर में, शायद इन्होंने पीछे से गेट खोल रखा है। ये वाला तो शुरू होता ही खत्म हो गया। सैमसंगाइट में तो सारे बैग वगैरह मिलेंगे। ये बैग देख सकते हैं, आ जा। ये बेसिक वाला बैग भी 76 यूरो का है। ना ओनली में जाके चेक करते हैं। ये वाली जैकेट हमें मिली है 48 यूरो में। यहाँ पे सेल है, 10 यूरो से स्टार्ट है। ये वाली देखते हैं। This is how I look. लंबी है मेरी, खुली खुली ज्यादा लग रही है मुझे। कौन सा साइज आपको? स्मॉल में ये साइज। ये है 20 यूरो में, बहुत ही बढ़िया जैकेट, और मैं ले रही हूँ। यस सस्ते में मिल गई। How does it look? Although ये यहाँ से थोड़ी सी ऐसी मोटी सी है, फूली सी हुई है, बट सर्दियों में ठीक है, चल जाएगी। 20 यूरो में इतने अच्छी कहाँ से मिलेगी। सो हमने जैकेट खरीद ली है। दोस्त कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत पैसे बच गए हैं हमारे 20 यूरो में, यानी 1800 रुपए में हमें इतनी बढ़िया जैकेट मिली है ना। ओहो इट वॉज वर्थ कमिंग हेयर। यहाँ पे फीडबैक देने वाला भी एक सिस्टम है कि आपको वॉशरूम कैसे लगे आप बता सकते हो। तो अभी हम बैठ के लंच करते हैं और फिर से शॉपिंग पे निकलेंगे। अब हम जूते खरीदेंगे। दिखाओ दोस्त क्या क्या लेके आई हो। तो ये हम ग्रेप्स लेके आए हैं, 2 बर्गर और ये पुलाव, और मैं साथ में कॉफ़ी भी लेके आई हूँ। और अभी हम मस्त खाना खाते हैं। तो आज हम बाहर आए हैं, लेकिन हमने घर का खाना खाया है। बाहर से हमने कुछ भी नहीं खरीदा, एक पैसा खर्च नहीं किया खाने पे। और हमने बहुत सारा खाना खा लिया है, अब शॉपिंग के लिए जान आ गई है हमारे अंदर। और यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज काइज़रस्लॉटर्न में मुझे फील ही नहीं आती थी कि मैं कहीं जर्मनी या किसी दूसरे देश में हूँ। यहाँ आके लग रहा है कि हाँ भाई विदेश आए हैं। ये देखो कितनी खूबसूरत यहाँ पे आउटलेट सिटी है। आउटलेट सिटी एक्चुअली यहाँ पे बहुत बड़ा एक शॉपिंग सेंटर होता है और उस सिटी से दूर होता है,
यहाँ पे हर तरीके की ब्रांड होती है, इंटरनेशनल, रीजनल, काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं और ऐसी ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके नाम भी नहीं सुने हैं कभी। काफ़ी अच्छी सेल भी चल रही है किसी किसी ब्रांड पे, हम वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब आगे जूते खरीदते हैं, कुछ इसी दाम में अगर मिले 20 यूरो 10 यूरो लपक लेंगे। कुछ कुछ स्टोर्स में सेल के नाम पे छलावा है, सेल लिखा हुआ है, 150 यूरो की जैकेट है हल्की सी। हमें किसी ने सजेस्ट किया है कि कोलंबिया में ट्राई करो शूज़ और जैकेट वगैरह, यहाँ देखते हैं। डिस्काउंट तो चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी सेल है दोस्त, 17 यूरो में मिल रहा है, 17.99 में। ऐसा है बैग, पर ये बहुत ही बेसिक सा हो गया है ना, 2-4 यूरो और डाल के इसमें अच्छा सा ले लूँ मैं। तो इधर कोलंबिया में भी हमें ज़्यादा कुछ पसंद आया नहीं, ऐसे थी तो इसमें सिर्फ जैकेट ही, जूते नहीं थे, बट ठीक ठीक था प्राइस, एकदम वाव नहीं था, जैसा कि हमें मिला है वैसा नहीं था। और अभी हम चलते हैं मस्टैंग के अंदर, जूते ट्राई किए, देखो लग तो अच्छे रहे हैं। हाइट हाइट दिखाना एक बार, हाइट काफ़ी बढ़ गई है मेरी। जूते तो काफ़ी अच्छे हैं पर इतने महंगे हैं कि मैं इनका प्राइस देने नहीं वाली हूँ, मैंने बस ट्राई किए हैं, मैं देखना चाह रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। प्राइस है इसका 70 यूरो, बहुत ज़्यादा है, 7363 रुपीस। क्या बोलती हो दोस्त, घर चले हैं? पर एक बार इधर राउंड तो लेंगे, पर चलते हैं वापस, काफ़ी अच्छी शॉप है ये, यहाँ पे पीछे घोड़ा भी है ये देखो। मैं तो भूल ही गई थी हम तो मस्टैंग के अंदर हैं, तभी तो इतना महंगा है, 70 यूरो। वैसे 70 यूरो इतना भी बुरा नहीं है, क्या बोलती हूँ, इंडिया में लोग 10-10 हज़ार के जूते लेते हैं, मस्टैंग के जूते हमें मिल रहे हैं 6,300 रुपये में, ले लो ले लो। देखो पीछे नाइकी है, नाइकी फैक्ट्री स्टोर। वैसे ये सारे जो हैं आउटलेट स्टोर हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस मिलता है, जो ओरिजिनल प्राइस है उसका हाफ मिलता है। सो लेट्स सी, नाइकी में भी बहुत महंगा है, कोई ऑफर है ही नहीं, सेल है ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ ब्रांड्स में काफ़ी अच्छी सेल है, तो आ सकते हो आप। ये देखो जॉर्डन की कैप है, ओह नाइस, अच्छी लग रही है, 23, काफ़ी अच्छी है भाई 23 यूरो में, इससे अच्छा मैं एक और जैकेट खरीद लूँ। यहाँ यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या सीन रहता है कि लोग अपने डॉग्स को घर पे नहीं छोड़ते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, चाहे रेस्टोरेंट जाएं, चाहे शॉपिंग के लिए जाएं, वो रेस्टोरेंट के अंदर या शॉपिंग मॉल के अंदर लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी अभी हमने देखा नाइकी में डॉग्स वगैरह थे, घूम रहे थे वो दुकानों के अंदर, जबकि इंडिया में ऐसा अलाउड नहीं है, लोग यहाँ पे एनिमल्स को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब एक तरीके से ह्यूमैनिटी शो करते हैं डॉग्स के लिए भी, इट्स अ गुड थिंग। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स देख ली और जहाँ से हमें खरीदना था वहाँ से खरीद लिया हमने 20 यूरो में, बाकी तो हर जगह हम बस अंदर घुसे हैं और हाय तौबा मचा के वापस आ गए। तो अभी हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हमारी 5:06 पे बस है और फिर हमें एक और बस लेनी है, फिर उसके बाद हमें ट्रेन लेनी है, तब जाके हम काइज़रस्लाउटर्न पहुँचेंगे, फिर काइज़रस्लाउटर्न के बाद हमें फिर से घर के लिए वेस्ट बानहॉफ के लिए फिर से एक ट्रेन लेनी है। हम आ गए हैं 226 बस लेने बस स्टैंड पे। मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है 7% और मुझे आगे भी ज़रूरत पड़ेगी फ़ोन की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरा, मैंने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया यूरोप में शॉपिंग का, ऐसे आउटलेट सिटी में जाके बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप भी यूरोप आते हैं तो ये ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, बाय। हम जैक तो इसलिए यहाँ पे बहुत आँखों में जा रहा भाई। सो मैंने जूते देखे हैं अभी ट्राई किए, देखो ऐसे ही नीचे ले आना।